नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर पी व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ जिनको अभी 3 तारीख को परीक्षा देनी है। मैं बच्चों की बहुत सुनता हूँ, बच्चे जो कहते हैं उसको मानता भी हूँ। कई बार बच्चों में भगवान बसते हैं तो हो सकता है कि उनके मुँह से निकले हुए चीज़ अपने काम आ जाए। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था, दो बच्चों ने पूछा था, मैं अलग अलग दो वीडियो बना रहा हूँ, एक डिफरेंशियल पे एक ट्रिग्नोमेट्री पर। सवाल मुझे अच्छे लगे और मैं तुरंत वीडियो बनाने की सोच ली। छोटा वीडियो है, 3-4 मिनट के होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे अभी, तो आप करें। क्या पता वो सवाल आ जाए कल आपके, कोई ऐसे बच्चे जो बिल्कुल कमज़ोर हों वो हो सकता है कि ऐसे कुछ 4-5 क्वेश्चन करके पास हो जाए तो मुझे खुशी होगी, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। देखिए, हमें सिद्ध करना है कि cos 2θ / 1 sin 2θ = tan π/4 θ। हमने LHS लिया, cos 2θ / 1 sin 2θ। देखिए, cos 2θ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, अगर 1 cos 2θ होता तो फॉर्मूला था। इसी तरह से 1 sin 2θ के लिए फॉर्मूला नहीं है, अगर केवल sin 2θ होता तो फॉर्मूला था। तो हमें ऐसे केस में क्या करना चाहिए, cos को sin में बदलना चाहिए और sin को cos में। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, 10वीं क्लास का ही है, sin π/2 θ = cos θ होता है और cos π/2 θ = sin θ होता है। तो यहाँ मुझको cos को sin में बदलना है, तो क्या करूँगा, मैं sin लिख दूँगा cos देखा और थीटा को और 2θ को घटा दूँगा π/2 में से, क्योंकि sin 90 θ होता है cos θ। देखिए, sin 90 θ होता है, π/2 वाला 90 होता है, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। तो cos 2θ को लिख दिया मैंने sin π/2 - 2θ। यहाँ पर क्या किया कि sin 2θ है, इसको cos में बदलना है, तो क्या किया, cos π/2 - 2θ कर दिया, क्योंकि cos 90 θ होता है sin θ। ही देखिएगा, अब ये हमारे उचित फॉर्म में आ गया। अब देखिए, sin एक फॉर्मूला है sin a का, 2 sin a/2 cos a/2, और 1 cos a का फॉर्मूला है 2 cos² a/2। ये देखिएगा, sin a है तो क्या हो गया, 2 sin a/2 cos a/2 है ना, हमने 2 sin a/2 cos a/2, तो 2 sin a/2 का मतलब इस कोण का आधा करेंगे, और π/2 - 2θ का जब आधा करेंगे तो π/2 का आधा π/4 - 2θ का आधा थीटा, और cos फिर आधा करेंगे तो π/4 - θ, और ये 1 cos θ, ये 1 cos a, 1 cos a होता है 2 cos² a/2, तो 2 cos² एंगल का आधा कर देंगे, π/2 - 2θ का आधा कर देंगे, तो π/2 का आधा π/4 - 2θ का आधा थीटा, ये हो गया। अब देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, अब ये sin π/4 - θ × cos π/4 - θ, ठीक है, लिख दिया मैंने यूँ क्यों, और नीचे ये cos² π/4 - θ है, स्क्वायर है ना, दो बार लिख दिया इसको इंटू में, cos π/4 - θ × cos π/4 - θ, ये इसको मैंने काट दिया, ये कट गए। अब ये आ गया sin π/4 - θ / cos π/4 - θ, लिख दिया मैंने, और आप जानते हैं कि sin θ / cos θ होता है tan θ, तो ये हो गया tan π/4 - θ, जो कि हमको सिद्ध करना था। मुझे ये सवाल अच्छा लगा, तो ये सवाल आप लोग करें, हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए। मैं गारंटी नहीं कहता कि आएंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आते हैं छोटे छोटे, जो हम बड़े मुश्किल सवाल करके जाते हैं और आते बोलो आसान है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल जरूर कर लें, जो मैंने आपको एक कराया। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कल हर बच्चों का पेपर पास हो जाए, ठीक है ना, कल यानी कि परसों, कल ही हो गया, अब तो 12:30 बज गई है, तारीख 2 तो हो ही गई है, तो ये करा, मुझे अच्छा लगा सवाल इसलिए मैंने कर दिया। ओके, थैंक यू, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।